दोस्तों, हाल ही में एक गूगल पे के अंदर अपडेट आया था जिस पे हमने वीडियो बनाई थी, मैनेज यूपीआई नंबर्स। जैसे कि आप किसी भी यूपीआई ऐप से अब गूगल पे में नंबर से रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये फीचर ऐड कर दिया गया था। अब इस फीचर को जब आपने यहाँ पे अनेबल किया होगा, ऑन किया होगा, तो ये रिक्वेस्ट जो है प्रोसेसिंग में डली होगी। अब इस रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग में से आप कैसे हटा सकते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गूगल पे से बाहर आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे आपको डालना है गूगल पे। गूगल पे डालेंगे और यहाँ पे आपको गूगल पे को अपडेट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद चलिए हम चलते हैं अपने गूगल पे के अंदर। जैसे हमने गूगल पे पे यहाँ क्लिक किया तो उसी जगह पे मैं फिर आ चुका हूँ। फिर भी ये रिक्वेस्ट में ही डली है। टर्म्स ऑफ सर्विस अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ आर्टिकल बाकायदा लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप पे सारी चीज़ें समझाई गई हैं, ठीक है, आप अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल 31 आर्टिकल यहाँ पे दिए गए हैं, नहीं आप अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आपकी है वो बैंक की प्रोसेस में डली हुई है। आप बैंक जब तक आपकी रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करेगी, यानी कि अनेबल नहीं करेगी, तब तक की रिक्वेस्ट ऐसी ही डली रहेगी। ये ऑटोमेटिक हो जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल पे को अपडेट करते रहें समय समय पर प्ले स्टोर के अंदर जाके, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद।